दुनिया में इसकी भारी मांग की वजह ये भी है कि भारत का ये लाल सोना आयुर्वेद में औषधि के रूप में अनगिनत तरीकों से उपयोग में लाया जाता है। इसके साथ ही महंगे फर्नीचर सजावट के काम के लिए भी लाल चंदन की लकड़ियों की काफ़ी डिमांड है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल शराब और कॉस्मेटिक की चीज़ों में भी किया जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करोड़ों तक पहुंचती है। सड़क, जल, वायु इन तीनों मार्गों से लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी की जाती है, जिसके चलते इनको बेच करके तस्कर एक अच्छी खासी रकम कमा लेता है। इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए STF तक की तैनाती की गई है। भारत में इसकी तस्करी रोकने के लिए कड़े कानून हैं। चीन, जापान, सिंगापुर, UAE, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य कई देशों में इन लकड़ियों की भारी डिमांड है, लेकिन सबसे अधिक मांग चीन में है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।